रेगिस्तान बाड़मेर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और कभी मौसम सुहावना है तो कभी दिन में आग बरस रही है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बढ़कर 30 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग की ओर से 5 मई से तेज आंधी और लू की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है, वहीं हाल नगरी बाड़मेर में भी गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। जिस प्रकार से बाड़मेर जैसलमेर सीमावर्ती इलाका अपने आप में भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है, एक बार फिर गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो दोपहर के समय इस बाड़मेर जिले के जो ये अम्बेडकर सर्किल में यहाँ पे लगातार बहुत बड़ा भीड़ का जमावड़ा होता है, लेकिन इस भीषण गर्मी में लोग कम ही घरों से निकलते हैं, लेकिन और इसके बाद उन्होंने समय में परिवर्तन कर दिया है। जैसे ही गर्मी ने अपना प्रकोप और अपना असर दिखाना शुरू किया है, उसके बाद से लोग करीबन या तो 11 बजे से पहले निकलते हैं और या फिर 4 बजे के बाद, जैसे ही ठंडा वातावरण होता है उसके बाद लोग घरों से निकलते हैं। उसके साथ साथ खान पीन में भी अपना बदलाव कर दिया है, लोगों ने अपने खान पान में दही छाछ और ठंडा पानी ज्यादातर पी लिया है। और उसके बाद डॉक्टर ने भी यहाँ के बाड़मेर क्षेत्र में डॉक्टर ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि ज्यादा से ज्यादा ठंडे इलाके में रहे और ठंडा पानी ज्यादा पिए और उसके साथ साथ तरल पदार्थ का सेवन करें, जैसे कि जूस है, नींबू है, शिकंजी है, उसके साथ साथ आम का भी सेवन करें। देखिए ये एक आम की दुकान है, यहाँ पे जो जूस की दुकान पे लोग ठंडा पदार्थ ले रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार से गर्मी पड़ रही है। आपका नाम क्या है? किशोर कुमार। कहाँ से हैं आप? बाड़मेर से। बाड़मेर गर्मी किस प्रकार? गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। अच्छा, तो फिर आप इस गर्मी से बचने के लिए क्या क्या राहत से ले? क्या है, सुबह जल्दी धंधा करते हैं, फिर बाद में रेस्ट करते हैं और जूस पीते हैं। कुछ थकावट लगती है आपको? थकावट तो लगती है, गर्मी के अंदर थकावट तो ही बहुत थकावट है। अच्छा, दिन भी बड़ा है। तो किस समय निकलते हैं, या तो सुबह या फिर सुबह निकलते हैं 7 बजे, 7 बजे से 11 बजे। फिर क्या खान पान में क्या बदलाव? खान पान में तो कुछ बदलाव नहीं है, छाछ है, दूध है, ठंडे पदार्थ, छाछ है, दही है। अच्छा, ज्यादा पानी पी रहे? पानी ज्यादा पी रहे हैं। अच्छा, तो मतलब इस भीषण में कितनी हालत खराब हो रही, कमजोरी कितनी महसूस हो जाती है? बहुत कमजोरी है। अच्छा, बाड़मेर गर्मी के लिए जाना जाता है। हाँ। अच्छा, इस बार कितनी जल्दी आ गई गर्मी? मतलब बहुत जल्दी आई है। अच्छा, बहुत ज्यादा जल्दी। देखिए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। आपका क्या नाम है? सत्यपाल सिंह। सत्यपाल सिंह, बताइए किस प्रकार की गर्मी पड़ रही है बाड़मेर में? इस पर गर्मी तेज पड़ रही है सर, तेज पड़ रही है। तो बताइए इससे बचने के लिए क्या पदार्थ दे रहे हैं आप? ठंडा पदार्थ दे रहे हैं? जूस है, आम जूस है, पानी ज्यादा पीते हैं ठंडा। अच्छा, गाँव में क्या हालात है? गाँव में लोग मटकी से पीते हैं ज्यादा पानी। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? अजय सिंह। अजय सिंह जी, बताइए गर्मी कितनी पड़ रही है यहाँ पे? गर्मी तो पड़ रही है, देख रहे हो आप। अच्छा, इससे बचने के लिए क्या ले रहे हैं आप? ये आम जूस पी रहे। आम जूस पी रहे। गाँव में कितनी ज्यादा गर्मी होगी? गाँव में बहुत तेज है। अच्छा, अपने साथ मवेशियों के क्या हाल हो गए, जानवरों की क्या स्थिति होगी? ठीक है, चलता रहता है। अमूमन हमारा एरिया यही है, हम तो मुसीबत में घेरते आ रहे हैं बरसों से जा रहे हैं। अच्छा, मोतर साल मैंने ले लिए है। अच्छा, अब हम इसकी परवाह करते ही नहीं है। अच्छा, और ईश्वर जो प्रकृति देती है नी, वो तो किसी से रुक ही नहीं सकता। आप इससे बचने के लिए बुढ़िया बुजुर्ग क्या करते थे इस गर्मी से रात पीने के लिए? ठंडे पदार्थ देते थे या फिर बदलाव? ये तो था ही नहीं उस टाइम, हमारे झोंपड़े थे। आज के समय में क्या लेते आप? आज में ऐसा है साहब, ये बताओ, जितना आपका जेब गर्म है उतना काम हो जाता है। जो रईस है वो तो पता नहीं क्या क्या इसी में नए बार करते हैं। बाड़मेर बहुत खान पान वाला इलाका है और यहाँ पे परंपरागत तरीके से जो छा दही है, छाछ है, दूध है, ये सब लेते थे और इससे ही बचाव करते थे। और जो हमारे बुजुर्ग है, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। और जिस प्रकार से गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है और हालांकि मौसम विभाग ने बताया और आगे बढ़ेगा। कैमरा पर्सन सानू कुमार के साथ देवराज, नेटवर्क 10, बाड़मेर।